तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBW वर्सेज MRW, हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स वर्सेज मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन्स। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स बिग बैश लीग का ये मैच नंबर 35 है, जो कि 1:45 पर मैच स्टार्ट होगा, तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैच है। इस वीडियो में आपको जो है फुल स्टैट्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ग्रैंड लीग की आपको बढ़िया बढ़िया टिप्स देने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। डायरेक्टली जो है मैच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेडिक्शन आपको बता दूं कि कौन सी टीम यहां पर विन करेगी। देखो, मेलबर्न रेनेगेड्स की जो टीम है ना, इस टीम के पास काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, जबकि हर्बर्ट हरिकेन्स का रिकॉर्ड्स काफी अच्छे रहते हैं। मेलबर्न रेनेगेड्स के यहां पर विन करने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि इनकी एक दो प्लेयर अगर चल गई ना, तो ये मैच को जो है वन साइडेड यहां पर कर सकती है। तो मेरी प्रेडिक्शन यहां पर कर रही है कि मेलबर्न रेनेगेड्स अच्छी फाइट देगी, बट यहां पर जो जीतने वाली टीम है, मुझे लग रहा है कि हर्बर्ट हरिकेन्स ये मैच निकाल ले जाएगी, साइलेंट किलर बन के आएगी। अब गाइस बात करते हैं मैच के बारे में। हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स वर्सेस रेनेगेड्स वुमेन्स, तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स बिग बैश T20 लीग का मैच नंबर 35 बेलेवियर ओवर हॉवर्ड के वेन्यू पे 1:45 पे स्टार्ट होगा। टेलीग्राम का चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे भाई, आप लोग जरूर से ज्वाइन करिएगा। यहाँ की अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं, तो यहाँ पर देखो यार, रन तो अच्छे बन ही रहे हैं, साथ ही साथ स्पिनर्स को भी अच्छा एडवांटेज जा रहा है। बैटिंग फर्स्ट का अगर आप देखोगे, एवरेज स्कोर 147 के आसपास है। जो भी टीम यहाँ पे टॉस विन करेगी, वो बैट फर्स्ट करना जो है प्रेफर करेगी, जो है डिफेंड करना एक अच्छा आइडियल ऑप्शन रहने वाला है। मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा मेरे भाई, नहीं किया है तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर से सपोर्ट करो। वेन्यू स्टैट्स की बात करते हैं। इस वेन्यू पे अगर आप देखेंगे, टोटल जो है 41 T20 मैचेस हुए हैं। इस बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 20 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। एवरेज स्कोर 41 मैचेस के हिसाब से 140 का है, हाईएस्ट स्कोर 212 का है, और यहां पे लोएस्ट स्कोर 18 रन का है। 27 मैचेस में 150 रन से नीचे का स्कोर बना है, 150 से 170 रन के बीच में 11 मैचेस में स्कोर बना है, 170 से 190 के बीच में एक मैचेस में, और 190 से ऊपर जो है दो मैचेस में यहां पर स्कोर बना है। लास्ट मैच अगर आप देखोगे, जो कि 13 नवंबर को मैच हुआ था, इस मैच में काफी अच्छे रन बने थे। अगर आप देखोगे 190 प्लस रन बने थे, बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने यहां पर विन किया, जिसमें जो है यहां पर लीजा लीने भाई 100 मारा था। उसके पहले भी अगर आप देखोगे, जो मैच हुआ था ना, वहां पर भी देखोगे 150 प्लस यहां पर रन बना था। यहां पर भी अगर आप देखोगे भाई, बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया। ये लास्ट के चार मैचेस अगर आप देखोगे ना भाई, बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, और ये वाला एकमात्र मैच जो है बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। लास्ट 5 मैच जो इस वेन्यू पे खेले गए हैं, उसका हमने ब्रीफ स्कोर कार्ड यहां पर डाल रखा है। अब हम बात करते हैं हेड टू हेड के रिकॉर्ड की। तो हेड टू हेड के रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे, तो टोटल 19 T20 मैचेस हुए हैं। हर्बर्ट हरिकेन्स की टीम ने 12 मैचेस विन किए हैं, और 7 बार जो है मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम ने विन किया है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रेनेगेड्स के जो रिकॉर्ड्स है ना, इतने अच्छे नहीं है, हर्बर्ट के रिकॉर्ड्स जो है काफी अच्छे हैं, और इन्होंने 12 मैचेस जो है विन किए हैं। लास्ट मैच वैसे जो इनका हुआ था, 11 अक्टूबर 2024 को मैच हुआ था, इस मैच को जो है मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम ने विन किया था। ये स्प्रिंग T20 चैलेंज के मैचेस है। उसके पहले 2023 में जो मैचेस हुए थे, वहां पर देखोगे तो हर्बर्ट हरिकेन्स की टीम ने जो है मैचेस विन किए हुए हैं, यहां पर आप देख सकते हो। तो लास्ट 5 मैच हेड टू हेड के, वो भी हमने यहां पर जो है आपके लिए लिख रखे हैं। अब हम बात करते हैं दोनों ही टीम की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन की। तो हर्बर्ट हरिकेन्स ने टूर्नामेंट में अभी तक 8 मैच खेले हैं, 4 मैच जो है विन किया है, पॉइंट्स टेबल में 4th पोजीशन पे है। मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करी जाए, तो इन्होंने 8 मैच खेले हैं, जिसमें जो है 5 मैच विन किया है, और पॉइंट्स टेबल में 2nd पोजीशन पे है। हर्बर्ट हरिकेन्स अपना लास्ट वाला मैच जो है हार के आ रही है, जबकि उसके पहले इन्होंने 2 मैचेस बैक टू बैक विन किए थे, और 2 मैचेस ये लॉस किए थे। तो लास्ट 5 मैच आप हर्बर्ट हरिकेन्स के यहां पर देख सकते हो, किस डेट को खेला है, किस टीम के अगेंस्ट में खेला है, कितना स्कोर किया है, बैट फर्स्ट किया है सेकंड किया, विन किया या लॉस किया, ये चीजें यहां पर डाली हुई है। रेनेगेड्स की अगर हम बात करें, बैक टू बैक जो है ये टीम अपने 3 मैचेस विन करके आ रही है। उसके पहले ये वाला मैच आ रही थी, लेकिन ये वाला मैच भी इन्होंने विन किया था। तो जबरदस्त फॉर्म में है रेनेगेड्स की टीम, अच्छे फॉर्म में जो है चल रही है। और अगर आप देखेंगे, तो यहां पर आपको सारी चीजें जो है देखने के लिए लास्ट 5 मैचेस की मिल जाती है, रेनेगेड्स की और हर्बर्ट हरिकेन्स की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले हम देखेंगे हर्बर्ट हरिकेन्स की प्लेइंग 11। लीजा ली के साथ में जो है इल्विस मिलानी आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। वन डाउन पे निकोला कैरी है, उसके बाद हीटर ग्राम है, फिर यहाँ पे सूजी बेट्स आएंगी, सी ट्रॉयन आएंगी, कैथरीन ब्राइस है, मॉर्नी सतार्नो है, एमी स्मिथ है, लॉरेन स्मिथ है, और उसके बाद जो है सी विल्सन है। तो ये हर्बर्ट हरिकेन्स की प्लेइंग 11 है। निकोला कैरी आपको लेफ्ट हैंडेड बैट करते हुए दिखाई देंगी, बाकी टोटली इनकी टीम में आपको राइट हैंडेड जो है बैटर मिलती है। मेलबर्न रेनेगेड्स की अगर बात की जाए, हेली मैथ्यूज के साथ में जो है इला हेवार्ड आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। वन डाउन पे अलीश कैप्सी है, उसके बाद जो है नॉमनी स्टैनबर्ग है, गोर्जिया बेरहम है, डेंड्रा डॉटिन है, निकोलस फाल्तुम है, गोर्जिया प्रेस्टवीज है, सारा कोटी है, एम लिंगवर्थ है, और उसके बाद जो है क्रिस बेकर है। तो ये मेलबर्न रेनेगेड्स की प्लेइंग 11 है। इनकी टीम में टोटली आपको राइट हैंडेड बैटर मिलने वाली है।
सभी के प्लेयर रोल हमने साइड में लिखे हुए हैं और बैट ऑर्डर के साथ में हर्बर्ट हरिकेन्स की प्लेइंग 11, मेलबर्न रेनेगेड्स की प्लेइंग 11 आपको जो है यहां पर बताई गई है। बात करते हैं प्लेयर के स्टैट्स की। सबसे पहले लीजा ली, दो बैक टू बैक जो है सेंचुरी मारने के बाद लास्ट मैच में 8 रन पे आउट हुई। स्टार्ट मिल रहा है तो बड़ी पारी में कन्वर्ट कर रही है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 5 मैचेस में 157 रन है, 39 का एवरेज है, 147 का स्ट्राइक रेट है जो कि काफी अच्छा है। वेन्यू पर भी 10 मैचेस खेली है जिसमें 34 का एवरेज है और 153 का इनका स्ट्राइक रेट है जो कि काफी अच्छा जो है बोला जाएगा। इल्विस मिलानी अपने दिन पे आपको बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगी, लास्ट मैच में 44 रन करके आ रही हैं और अगर आप देखोगे हेड टू हेड में तो भाई 54 का इनका एवरेज है जो कि काफी कमाल का है। निकोला कैरी वन ऑफ द बेस्ट सीबीसी के लिए आपको ऑप्शन मिलती है, हालांकि रिसेंट फॉर्म में अगर आप देखोगे विकेटलेस रही है लेकिन फिर भी देखोगे भाई 64 रन किया है। ये मैच में तो पूरी तरीके से फ्लॉप रही, 17 रन प्लस 2 विकेट, 44 रन प्लस 1 विकेट, 5 रन प्लस 2 विकेट, 50 रन प्लस जो है 1 विकेट, तो ओवरऑल एक ग्रेट परफॉर्मर है और डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया जो है ऑप्शन रहने वाली है सीबीसी के लिए। स्मॉल लीग में मोस्ट ऑफ द लोग जो है इन्हीं को सीबीसी करके लेके आने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं हीटर ग्राम, ये भी कंप्लीट एक ऑलराउंडर है, लास्ट के दो मैचेस में अगर आप देखोगे फ्लॉप रही है, उसके पहले 23 रन प्लस 3 विकेट, 8 रन प्लस 2 विकेट, 26 रन प्लस 1 विकेट, 31 रन प्लस 2 विकेट, 2 रन प्लस 3 विकेट, तो जबरदस्त परफॉर्मर है। हेड टू हेड में रिकॉर्ड जो है थोड़ा सा अच्छा यहां पर है, 5 मैचेस में 148 रन है, 48 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 166 का है, ओवरऑल एक जो है डिसेंट ऑप्शन है, आप इनको वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। सुजी बेट्स लास्ट मैच खेली थी भाई, 15 रन किए, ये जो है ओपनर है भाई और मैं आपको बताऊं कि बैट ऑर्डर इसका काफी नीचे है, मुझे लगता है कि अगर बैट ऑर्डर नीचे होगा ना तो सुजी बेट्स अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकती हैं। सी ट्वाइन ये भी जो है शानदार प्लेयर है, 20 रन प्लस 2 विकेट, 35 रन, लेकिन अगर आप देखोगे ना किसी किसी मैच में ये बॉलिंग से ये भी टीम फ्लॉप हो रही है और यही वजह है कि इनकी टीम जो है हार रही है, अगर ये प्लेयर चल जाए ना तो बहुत अच्छा है। कैथरीन प्राइस भी अपने दिन पे आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगी, बढ़िया ग्रेट प्लेयर है, बैट भी कर लेती है तो ये एडवांटेज इनके साथ में जाता है, ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहने वाली है। मोनी सतारो स्पिनर है और गुड ऑप्शन रहती है, आप देखोगे लास्ट के तीनों मैच में इनको विकेट मिला हुआ है, ओवरऑल बढ़िया जो है प्लेयर है और ये भी थोड़ी बहुत बैट कर लेती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लॉरेन स्मिथ आपको एक डिसेंट ऑप्शन मिलती है, इनको स्मॉली की टीम में आप ट्राई कर सकते हो। एमी स्मिथ ग्रैंडली के लिए ओवरऑल प्लेयर रहेंगे, गुच्छों में विकेट निकालती हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, तो ग्रैंडली की टीम में इनको आप ट्राई कर सकते हो। ये लास्ट मैच की जो है इनकी बॉलिंग है हर्बर्ट हरिकेन्स की, पावर प्ले में आपको मोनी सतारो, कैथरीन ब्राइस और लॉरेन स्मिथ ये तीन मिलेंगी। डेथ में अगर मैं बात करूं तो आपको हीटर ग्राम, कैथरीन ब्राइस और जो है मोनी सतारो, ये आपको जो है तीन डेथ में जो है बॉलिंग करते हुए मिलेंगी हर्बर्ट की टीम की तरफ से। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो है मेलबर्न रेनेगेड्स के प्लेयर की परफॉर्मेंस की और इनके रिकॉर्ड्स की। हेनली मैथ्यूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप देखोगे भाई हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती है, आप देख सकते हो रिसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा है, हेड टू हेड में 4 मैचेस में 99 रन है, 25 का एवरेज है, बैट बॉल दोनों से परफॉर्म करेगी, डेफिनेटली मैं बोलूंगा सीबीसी के लिए आपको अच्छी ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा अलीशा कैप से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक मैच में तो इन्होंने 5 विकेट भी निकाले हुए हैं, यहां पर 2 विकेट, यहां पर 2 विकेट, तो ओवरऑल बॉलिंग कर रही है, ये एडवांटेज इसके साथ में जा रहा है और बैट तो अच्छी करती ही है। डोमिनिक स्टेनबर्ग ग्रैंड लीग की प्लेयर रहेगी, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, गोर्जिया वेर हमको ट्राई करना, ये अब काफी अच्छी बैट कर ले रही है, 5 नंबर पे आपको बैट करते हुए दिखाई देंगी। अगर आप देखोगे लास्ट 34 रन प्लस 1 विकेट, यहां पर 61 रन प्लस 3 विकेट, 11 रन प्लस 1 विकेट, 10 रन प्लस 2 विकेट, तो अच्छा बैट बॉल दोनों कर रही है, अपने टीम में जरूर से रखिएगा। ड्रिंडा डॉटिन के साथ में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, अपने दिन पे आपको बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेल के दे सकती है, प्लस बॉलिंग भी करती है और डेथ में भी ये आती है, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बातें हैं। निकोलस फालतूम फालतू पिक रहती है, अपने दिन पे ही अच्छा करते हुए आपको नजर आएंगे, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गोर्जिया प्रेस्टिज ग्रैंड की टीम में ट्राई करिएगा, सारा कोटी एक बढ़िया ऑप्शन है लेकिन रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं, आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारे मैचेस में 0-0 विकेट है। इसके अलावा क्रिस बेकर ग्रैंड की प्लेयर रहेंगी, लिंगबर्थ जो है ग्रैंड की प्लेयर रहेंगी, सारा कोटी को स्मॉली की टीम में लेके जाइएगा, अच्छी ऑप्शन जो है रहने वाली है। रेनेगेड्स की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो ये लास्ट मैच की इनकी बॉलिंग है, बहुत सारे बॉलर्स इन्होंने लास्ट मैच में यूज किए थे, लिंगवर्थ, क्रिस बेकर और जो है हेली मैथ्यूज, ये आपको पावर प्ले में मिलेंगी, सारा कोटी और जो है हेली मैथ्यूज और यहां पर डेंड्रा डॉटिन, ये आपको तीन प्लेयर डेथ में जो है बॉलिंग करते हुए मिलने वाली हैं। टॉप पिक्स की बात कर ले, टॉप पिक्स यानी की प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन सी रहेंगी जो आपको अपनी टीम में रखनी चाहिए, अलीस कैप्सी और निकोला कैरी, हीटर ग्राम, हेली मैथ्यूज, ये चार प्लेयर मस्ट हैव रहेगा, अपनी हर एक टीम में रखिएगा, चाहे आप स्मॉली की टीम क्रिएट कर रहे हो या ग्रैंडली की टीम जरूर से रखिएगा। डेरना डॉटिन, लीजा ली, गोर्जिया वेरहम और सी ट्रॉयन, ये चार भी आपको बहुत बढ़िया पिक मिलती है, इनको भी अपनी टीम में रखिएगा, मोस्ट ऑफ द लोग जो है इनको अपनी टीम में लेके आएंगे तो आपको भी अपनी टीम में रखना चाहिए। स्मॉल लीग में सीबीसी, अलीश कैप्सी, निकोला कैरी, हीटर ग्राम और हेली मैथ्यूज, यही चार जो है वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल लीग के लिए
आपको सीबीसी मिलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग इन्हीं को सीबीसी करके लेके आएंगे, आप भी इन्हीं को सीबीसी करिए। ग्रैंड लीग में अगर आप जा रहे हैं, डेनरा डोटिन, लीजा ली, बोर्जिया वेरहम और सी ट्रॉयन, ग्रैंड लीग की टीम के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट आपको ग्रैंड लीग के मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर ये चार में से कोई अगर नहीं चलता है तो ये चार की जो है बारी आएगी और यही जो है ड्रीम टीम की कैप्टन रहने वाली है। गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने हर्बर्ट हरिकेन्स की पूरी स्क्वाड डिटेल और रेनिगेड्स की पूरी स्क्वाड डिटेल, दोनों ही टीम की स्क्वाड डिटेल शेयर की हुई है, तो आप दोनों ही टीम की यहाँ पर स्क्वाड डिटेल भी देख सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखी है, जरूर से ज्वाइन करिएगा। और मेरे भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक जरूर से कर दो, काफी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो वीडियो को लाइक आप जरूर से कर दो। अपनी हम ड्रीम इलेवन की टीम देखते हैं जो कि हमारी 3 मेंबर और 4 मेंबर की टीम रहेगी। विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करेंगे, फालतुम को तब लेना जब लीजा ली को आप ड्रॉप करो और ग्रैंड लीग की टीम में जरूर से ड्रॉप करना, थोड़ी सी हिट और मिस टाइप वाली भी प्लेयर है। मैंने लीजा ली को ले रखा है, सेफ ऑप्शन वही है, डेनरा डोटिन को ले रखा है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मैंने सी ट्रॉयन को ले रखा है। इल्विस विलानी ओपन कर रही है, बैट नंबर 5 पे सूजी बैट्स आ रही है, दोनों हर्बर्ट की तरफ से मिलती हैं, अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है उस कंडीशन में आपको अच्छा करके दे सकती है सूजी बैट्स, और इल्विस विलानी अपने दिन पे अच्छा करके दे सकती है। गाइज जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो अलीशा कैप्सी की न्यूज नहीं थी, कैप्सी यहाँ पे नहीं खेलने वाली हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर आएगा। मैंने हेली मैथ्यूज को ले रखा है, हीटर ग्राम को ले रखा है, बोर्जिया वेरहम को ले रखा है, निकोला कैरी को ले रखा है, साथ ही साथ कैथरीन ब्राइस को यहाँ पर मैंने ले रखा है। बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो देखो सतारनो को ले रखा है, लॉरेन स्मिथ को ले रखा है और सारा कोटी को यहाँ पे ले रखा है। टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, सॉरी सबसे पहले कैप्टन वाइस कैप्टन, तो नो डाउट यहां पर मेरी जो कैप्टन रहेगी वो निकोला कैरी रहेगी, हेली मैथ्यूज को मैंने वाइस कैप्टनसी दी हुई है। आप सीबीसी चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो, हेली मैथ्यूज को कैप्टनसी दे सकते हो, निकोला कैरी को वाइस कैप्टनसी, थोड़ा सा मैं रिस्क लेके निकोला कैरी को मैंने जो है यहाँ पर कैप्टनसी दी है। टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, हर्बर्ट के मैंने 7 प्लेयर लिए हैं, 4 प्लेयर मैंने रेनिगेड्स के लिए हैं। लीजा ली है हमारी टीम में, मैंने डेंड्रा डोटिन को ले रखा है, सी ट्रॉयन है हमारी टीम में, हेली मैथ्यूज है, गोर्जिया वेरहम है और यहाँ पे कैथरीन ब्राइस है। मैंने हीटर ग्राम को भी ले रखा है, निकोला कैरी भी हमारी टीम में है, मॉलनी सतारो है, सारा कोटी है और यहाँ पे लॉरेन स्मिथ है। निकोला कैरी को मैंने जो है यहाँ पर कैप्टनसी दी है और वाइस कैप्टनसी मैंने हेली मैथ्यूज को दी है। तो ये हमारी टीम यहाँ पे रहने वाली है हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स वर्सेज मेलबर्न रेनिगेड्स वुमेन्स के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलता हूं आपको अगली वीडियो।